वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मधुरिमा को ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। औरत के ऐसे मेकअप करने से पति पर आते हैं कष्ट, सुहागन महिलाएं जरूर देखें ये तीन गलती कभी भी ना करें। महिलाओं का श्रृंगार करते समय इन बातों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो नियम जो आपको श्रृंगार करते समय जरूर ध्यान में रखने चाहिए, कौन सी गलती आपको नहीं करनी चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों खबरदार, ऐसा मेकअप करने से आप अपने परिवार को बर्बाद कर सकते हैं। महिलाएं गलती से भी ऐसा मेकअप कभी भी ना करें। क्या आप जानते हैं कि महिलाओं के ऐसा मेकअप करने से पति की बर्बादी स्वयं होती है, साथ ही नकारात्मक ऊर्जा का साया भी पास में भटकने लगता है। अगर आप भी इस तरह से मेकअप करते हैं तो ये खबर जानकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। गलत मेकअप आपके पूरे घर को बर्बाद कर सकता है। महिलाओं का असली गहना उनका सुहाग ही होता है, यानी उनका पति। अक्सर ये बात बड़े बुजुर्गों को कहते हम लोगों ने बहुत बार देखा है। शादी के बाद हर महिला श्रृंगार करती है। मान्यता है कि श्रृंगार करने से पति की आयु बढ़ती है और दाम्पत्य जीवन खुशियों से भर जाता है। इसीलिए शादी होने के बाद हर महिला को रोज श्रृंगार करने की सलाह दी जाती है। हालांकि कई बार श्रृंगार करते हुए महिलाएं अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देती है जो कि उनके पति पर भारी पड़ती है। श्रृंगार के दौरान की गई इन गलतियों के कारण पति की आयु कम हो जाती है और शादीशुदा जिंदगी में परेशानियां पैदा होने लग जाती है। इसीलिए भूलकर भी आप श्रृंगार के दौरान ये गलतियां ना करें। आइए श्रृंगार के दौरान होने वाली इन गलतियों के बारे में विस्तार से जानें। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों नंबर एक, मेकअप करने के बाद महिलाओं के अंदर एक अलग ही सुगंध और आकर्षण बना रहता है। ऐसे में नकारात्मक ऊर्जा का आकर्षित होना इसकी सबसे बड़ी वजह बनता है। ऐसे में आपको भरे मेकअप में अकेले कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए। ऐसा करने से आपके पीछे गलत शक्तियां आकर्षित हो सकती है। ऐसे में आपको सुनसान जगह भी नहीं जाना चाहिए, जहां पर सन्नाटा हो। ऐसी जगह से जब कोई महिला रात के समय गुजरती है तो उसके अंदर से निकली सुगंध नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और वो आप पर हावी हो सकती है। इसीलिए सतर्क रहे, हो सके तो अकेले ऐसी जगहों से ना गुजरे। नंबर दो, किसी भी शादीशुदा महिला को गैर महिला का मेकअप इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे भी नकारात्मक ऊर्जा हावी होती है। शादीशुदा औरत को अपना मेकअप पराई स्त्री से कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, किसी दूसरी महिला को अगर मेकअप देना हो तो नया मेकअप खरीद कर दिया जा सकता है। लेकिन पति के नाम का मेकअप गलती से भी पराई औरत को मत देना। ऐसा करना ज्योतिष शास्त्र में अशुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा करने से आपके पति के साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। नंबर तीन, नकारात्मक ऊर्जा हावी होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि रात में ऐसे ही सो जाना। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप शाम को शॉपिंग से लौटते समय या ऑफिस से या किसी पार्टी से वापस लौटते समय मेकअप नहीं उतारते हैं तो आपके अंदर से निकली सुगंध नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत आकर्षित करती है, जो आपके लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए मेकअप चेहरे से तुरंत हटाएं और नहा धोकर ही सोना चाहिए। लेकिन हाँ, मेकअप करके कभी भी ना सोएं। नंबर चार, खासकर आधी रात के समय मेकअप नहीं करना चाहिए। और जब बात आपके अकेले होने की हो तो ये गलती तो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। रात 12 बजे से लेकर रात के 2-3 बजे के आसपास कभी भी मेकअप नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय नकारात्मक शक्तियों की ताकत बढ़ जाती है और आपके अंदर से निकली खुशबू के कारण ये नकारात्मक ऊर्जा आप पर हावी हो सकती है। इसीलिए सतर्क रहे। नंबर पाँच, बालों को काटते समय महिलाएं इस बात का ध्यान रखें कि बालों को इधर उधर ना फेंके। किसी भी गलत व्यक्ति के हाथ अगर आपके बाल लग गए तो वो इसका तंत्र उपयोग कर सकता है। और दोस्तों वही भरे श्रृंगार में कोई भी महिला एकांत में या रात के अकेले समय आईने के सामने कभी ना जाए। इससे भी आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा हावी हो सकती है। नंबर छह, मंगलसूत्र और सिंदूर को शास्त्रों में बेहद ही पवित्र चीज माना गया है। इन दोनों चीजों को केवल पवित्र हाथों से ही छूना चाहिए। श्रृंगार से जुड़े नियमों के अनुसार सुबह हमेशा नहाने के बाद ही मांग में सिंदूर भरना चाहिए। वही जब भी आप अपने मंगलसूत्र को छुएं तो आपके हाथ एकदम साफ होने चाहिए। कभी भी बिना स्नान किए ना तो सिंदूर मांग में भरें और ना ही मंगलसूत्र को पहने।
में बिना नहाए इन चीजों को छूने से पति की आयु कम हो जाती है और रोग उसे घेर लेते हैं। कई महिलाएं रात को सोते हुए मंगलसूत्र को खोलकर किसी भी स्थान पर रख देती है जो कि गलत माना जाता है। मंगलसूत्र को आप जब भी खोलें तो इसे साफ जगह पर ही रखें। शास्त्रों के अनुसार मंगलसूत्र सुहाग की सबसे अमूल्य निशानी होती है और इसे हमेशा साफ जगह पर ही रखना चाहिए और हो सके तो बार बार इसे ना खोले। नंबर 7, गहनों के बिना श्रृंगार अधूरा माना जाता है। जब भी महिला श्रृंगार करती है तो गहने जरूर पहनती है। श्रृंगार करते हुए हमेशा साफ गहने ही पहनने चाहिए। साथ में जो भी गहने टूट गए हों उन्हें ना पहने। मान्यता है कि टूटे हुए गहने पहनने से पति के साथ लड़ाई हो जाती है और घर में अशांति बनी रहती है। इसीलिए कोई भी गहना टूट जाए तो उसे सही करवा ले या फिर अगर वो सही नहीं हो सकता है तो ऐसे गहने को ना पहने। नंबर 8, कई बार ऐसा होता है कि घर में जब एक साथ कई महिलाएं इकट्ठा होती हैं, तो वो श्रृंगार के वक्त एक दूसरे की सिंदूरदानी में से सिंदूर लगा लेती है। ऐसा करना बेहद अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से सुहाग बढ़ जाता है और ऐसा करना पति का अपमान करने के समान है। अपनी सिंदूरदानी किसी और महिला को ना दे। अपना सिंदूर अन्य महिला के साथ साझा करना शुभ नहीं माना जाता। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आने लगती है और पति व पत्नी के बीच प्यार भी कम हो जाता है। इसीलिए आप अपनी सिंदूरदानी किसी को भी ना दें। इसी तरह से अपनी चूड़ी भी किसी अन्य महिला के साथ ना बांटें। ऐसा करने से भी पति व पत्नी के रिश्ते में दरार आने लग जाती है। नंबर 9, ऐसा माना जाता है कि शादीशुदा महिलाओं को भूलकर भी अपनी चूड़ियां किसी को भी नहीं देनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके वैवाहिक संबंधों पर बुरा असर पड़ता है। मान्यता है कि चूड़ियां बांटने से पति का प्यार भी बढ़ जाता है। अगर आप किसी को देना ही चाहते हैं तो नई चूड़ियां दान में दे दें। इसके साथ ही याद रखें कि भूलकर भी किसी विधवा स्त्री को लाल रंग की या फिर पीले रंग की साड़ी ना दें। ऐसा करने से आपके संबंधों में दिक्कत आ सकती है और साथ ही ऐसे में आपको श्राप भी लगता है। ऐसे में आप उस महिला का उपहास उड़ा रहे हैं तो आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए। इससे विधवा महिला को दुख भी हो सकता है। नंबर 10, माना जाता है कि सुहागन महिलाओं को कभी भी अपने पैर खाली नहीं रखने चाहिए। यानी कि आपको पैर में कम से कम एक बिछिया जरूर पहननी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से पति के साथ आपके संबंध खराब होते हैं और आपको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। नंबर 11, दोस्तों पूजा के दौरान अगर आपसे सिंदूर गिर जाए या फिर अपने आप ही जमीन पर फैल जाए तो ये संकेत होता है कि आपको जल्द ही कोई अशुभ समाचार प्राप्त होने वाला है। इस स्थिति में पति पत्नी के मध्य बड़ा झगड़ा भी हो सकता है। अगर जाने अनजाने में सिंदूर लगाते वक्त आपके पैर पर सिंदूर का कुछ अंश गिर जाए तो ये ना तो शुभ है और ना ही अशुभ, मगर ये स्थिति संकेत देती है कि आपको अपने साथी के साथ जल्द ही लंबी यात्रा पर जाने का अवसर प्राप्त होगा। अब ये यात्रा सुखद भी हो सकती है और दुखद भी। कुंवारी लड़की पर सिंदूर गिरना हर सूरत में शुभ होता है। खास तौर पर अगर शादी योग्य किसी लड़की के ऊपर सिंदूर गिरता है तो ऐसा होने पर उस कन्या का जल्द विवाह हो जाता है। हिंदू धर्म में कहीं कहीं ये परंपरा भी देखी गई है कि बहन की शादी के वक्त अगर कुंवारी छोटी बहन मांग भरने की रस्म में दुल्हन की मदद करती है तो उसका जल्द ही विवाह हो जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी शाम के वक्त अपनी मांग ना भरें। अगर आपको मांग भरनी है तो सुबह के वक्त ही ये कार्य करें। अगर सिंदूर जमीन पर गिर गया हो तो उसे बरगद के पेड़ के पास रख दें। गिरा हुआ सिंदूर मांग में ना भरें। सुहागन महिलाओं को माथे पर तिलक लगाते समय ही साथ में मांग भी भरनी चाहिए। हमेशा अपने ही सिंदूर से अपनी मांग भरें और किसी से अपना सिंदूर शेयर ना करें। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव। जय महाकाल।